तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात और बताई कि मेरे 3 बेटे बेटियां हैं, आज बेटियों ने वो काम कर पाया जो कभी बेटी भी ना कर पाते। सर ऐसा है, मेरी बड़ी बेटी हैं संगीता, ये MSc फिजिक्स जी, उसके बाद MEd है जी, और उसके बाद ये मैडम थी, मैडम का एक सपना था अकबर जब मेरे यहाँ आए तो उस टाइम से उन्होंने कोशिश किया अकबर जो है मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आगे कुछ करना चाहती हूँ। हर रोज़ जब भी सोती थी तो सुबह उठते थे तभी सपने सुनाते थे, अगर मेरा ये पेपर छूट गया, मेरी बस छूट गई, मतलब इनको एक ये था अगर मेरे को पढ़ना बहुत ज़्यादा था। हाँ, बट मैं आर्मी पर्सन होते हुए मेरे ग्रैंड फादर जो है खेती करते थे, मेरे 3 चाचा खेती करते थे, मेरे फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, मेरे ब्रदर जो है अभी भी खेती और प्लस सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में तो इनका एक पढ़ाई का मेन सपना था जो कि गांव में रह करके पॉसिबल नहीं था, नहीं हो पाया साहब। ये ITI कर पाई, उसके बाद आगे बढ़ा नहीं पाया मैं इनको, तो फिर मैं जो है यही कोशिश किया कि बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है करवाऊँगा करके। कड़वा सवाल है क्योंकि हरियाणा की महिलाएं सोचती हैं कि कोख में बेटी बेटी होगी, बेटा भी होना था कदा सी बताना दिल तक। नहीं जी, मैंने कभी बेटा मांगा ही नहीं, मांगा एक नहीं। मैं ऑल इंडिया मतलब काफ़ी धर्मस्थल पर गई हूँ मैं, लेकिन मेरे मन में कभी ये बात उभरी नहीं। मैं यही सोचती थी कि भगवान मुझे बेटा या बेटी दे, जो भी मेरे पेट में है उसकी आँख नाक कान मतलब उसके अंग सही सलामत होने चाहिए, जो भी हो, हाँ मुझे बच्चा सही चीज। जबकि हमें पता हो गया था क्योंकि आर्मी मेडिकल कोर में थे इनके पापा। एक बात कहनी पड़ेगी मैम कि बेटियां ने वो काम कर दिया जो बेटे सोच भी कौन सकते। हाँ जी, क्योंकि मैंने यही था कि मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे बेटा बेटी मुझे बच्चे चाहिए। मुझे तीसरी बेटी जब पेट में तब भी किसी ने ये बोला कि बेटी हो जाएगी तो हमें वो भी मंजूर है। अच्छा, नहीं तो हम कभी आपके परिवार में ये माथा चढ़ी पड़े ये बेटी बढ़ती बन बेटी नहीं जी, ऐसा कभी। मेरे पिताजी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, हम खुद 4 बेटियां थी मेरे बाप के, खुद 4 बेटियां। हाँ जी, मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायर थे। चलो नमस्कार, मैं अजय। अगर महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, चाहे परिवार की पाबंदी हो, चाहे उसको ऊपर एक छूट हो और ऊपर से बेटी, क्योंकि सरकार भी कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को भी सार्थक कदम उठाना चाहिए और उठा भी रही कहीं ना कहीं मिस इंडिया के रूप में और क्राइम ब्रांच के रूप में। और फिर बात की जाए उसी परिवार की, किसान के परिवार की, एक किसान तो बॉर्डरों पर अपने अकेले लड़ रहा और वही किसान की बेटी अपने देश के लिए भी लड़ती हुई देखी जा सकती है। तो बातें मिस इंडिया से, बात उस शख्सियत से जिसने अपना पूरे विश्व के अंदर झंडा गाड़ा हो, देश का मान सम्मान ऊंचा किया हो। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। अपना पूरा परिचय दीजिए भाई, किस प्रकार से आप इस मुकाम तक पहुंचे कि मिस इंडिया बन पाए। ओके, सो मेरा नाम मनीषा रानी पंघाल है और मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा के एक छोटा सा शहर है जहाँ पर बेसिकली आर्मी ऑफिसर्स एंड बॉक्सर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इवन कि मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में किसान भी हैं, फौजी भी हैं, एंड दैट टू आर्टिस्ट भी हैं वो। मेरे पापा, मेरे मम्मा डांस सिंगिंग हर चीज़ में बहुत आगे रहे हैं। इवन जब यूनिट में प्रोग्राम्स होते थे तो वो बहुत आगे थे, उनकी इंस्पिरेशन के थ्रू ही आज मैं इतना आगे आ पाई हूँ। मेरे दादा नाना, उन्होंने आर्मी से जो भी कमाया वो चीज़ें शायद मुझे बहुत हेल्प कर रही है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। अदर देन दिस, मैं क्राइम ब्रांच में जॉब करती हूँ, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मोहाली में, INDIA डिवीज़न। वहाँ से ही मुझे बहुत कुछ मिलता है, वहाँ पर जो हम देखते हैं रोज़, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं फील होता है कि सोसाइटी में बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करने की ज़रूरत है, खास करके लेडीज़ के लिए। इवन छोटे लड़कों के लिए भी केसेस जैसे 377 अभी सरकार ने लागू कर दिया है, 376 के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे है कि शायद अगर मैं किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचूं तो बाय हेल्प ऑफ मीडिया एंड माय फैमिली मैं अपने देश में कुछ ऐसे चेंजेस ला पाऊं, अपनी सोसाइटी को इंस्पायर कर सकूं, कुछ ऐसा करूं ताकि जो गर्ल्स हैं वो सेफ हो सके ऐसे किसी रेप केसेस से या किसी भी डैमेज से, डाउरी डेथ केसेस हो रहे हैं कोई भी, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं बिल्कुल काम करना चाहूँगी लाइक माई फादर, क्योंकि आई वुड लव टू सफर माई कंट्री एज माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर्स डेड। तो क्राइम ब्रांच में भी हैं और विश्व के अंदर नाम भी कमाया, हाँ जी, मिस इंडिया बनकर। हाँ जी। तो जो दिक्कतें आती हैं बेटियों को, बहन बेटियों को आगे बढ़ने में, वो दिक्कतें कभी आपने महसूस की इस पुरुष प्रधान समाज में? दिक्कत तो नहीं थी, पर हाँ एक जो डर होता है हर माँ बाप को कि उनका बच्चा ऐसे ग्लैमर इंडस्ट्री में जा रहा है जहाँ पे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जो मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्टकट्स होते हैं हिंदी भाषा में, देसी आउट भाषा में कहते हैं तो एक नंगा नाच,
जिसे कि बोला जाता है बोल्ड? ऐसा नहीं बोल सकते हम, नो ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक लाइन है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे लोगों से जुड़ रहे हो, किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो इस चीज़ को नहीं सराहना देते हैं कि अगर आप बिना कपड़े के दुनिया के सामने आते हो तो आप बहुत इज्जत कमाओगे। आप कपड़े में भी अपनी इज्जत दिखा सकते हो, आपके कपड़े से भी आप डिसाइड हो सकते हो। मेरे हिसाब से जो लेडी साड़ी में खड़ी है वो एक स्कर्ट पहने वाली लड़की ज़्यादा स्मार्ट दिखती है। कपड़ा पहनने का तरीका पता होना चाहिए, कपड़े क्या पहने वो मैटर नहीं करते हैं। आप अंदर जैसे हो आप बाहर वैसा दिखाओगे ना तो दुनिया आपको जरूर अप्रिशिएट करेगी। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट वीमेंस। तो एक की सोच भी बनी हुई है देश के पुरुषों के प्रति, महिलाओं की जो आगे नहीं बढ़ती, वो कमरों से बाहर नहीं निकलती, उनकी एक सोच है कि बाहर ऐसा होगा, वो माहौल होगा, क्या कर पाओगे, पता नहीं इज्जत पर क्या बन पाएगी, क्या समाज में मुंह दिखाने लायक रहोगे। तो वो सोच कहाँ तक बदले आज जो ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाएं जो अपनी बेटियों को इस प्रकार से रोकती हैं? देखो, जब मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था तो मेरे मॉम डैड से मेरी बात हुई थी कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे कैसे, मतलब मुझे जाना है, कैसे करना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि इस इंडस्ट्री में ये होता है। इवन कि जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, जहाँ से पढ़कर आई हूँ, उन हर एक प्रोफेसर को पता है इस बारे में। सब ने बताया कि इशूज़ आते हैं, मनीषा आपको ऐसे करना पड़ सकता है, आपको गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोला जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अपना काम कर रहे हो, क्योंकि नाम अपने हाथ में, इज्जत अपने हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी फैमिली के साथ खड़ी है, आपका खुद का जज्बा आपके साथ है और आपका रब आपके साथ है, तो आपको कोई भी इंसान डीमोटिवेट किया, डीमोरलाइज कर आपको नीचा दिखाएगा वहाँ पे। पर हाँ, ये सोच एक वीमन को बदलने की ज़रूरत है कि उनको ये लग रहा है कि हाँ अगर मैं इस इंडस्ट्री में जाऊँगी, अगर मैं ये करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, ऐसा कोई इंसान जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए। हमें अगर फील होगा ना कि ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी। लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज नहीं होते जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो मेक श्योर कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को इतना आगे लेके जाएं कि लोग आपको ये ना कहें कि आपने गलत तरीके से अपने आप को आगे किया है। शॉर्टकट्स मत अपनाओ बस। मनीषा, एक बात और थोड़ा खुल के बताएं, ताकि एक सपना चौधरी को लेकर भी लोगों की थिंकिंग बनी हुई है कि डांसर है, एज ए कलाकार अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, पहनावा भी अच्छा है, डांस भी अच्छा करते हैं, कलाकार भी अच्छे हैं, बिग बॉस में जाके आई हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक थ्योरी बनाई हुई लोगों ने कि उसको बुला लो अपना सांग ईट हो जाएगा, अपना रागनी फंक्शन अपना धन्ना ईट हो जाएगा। क्या मानते हैं कि कलाकार को, महिला को फिर भी उसी नज़र से देखा जाता है? नहीं, वो गलत है। अगर वही एक आदमी को 100 औरतों के बीच में बैठा कर कहा जाए, अगर वो आदमी कंपटीशन दे रहा है तो ऐसा क्यों डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि अगर वीमेन वो काम करेगी तो गलत है, आदमी वो काम करेगा तो मतलब बुरा हो जाएगा, मतलब सही होगा, ठीक है? तो ये हमारी सोसाइटी की सोच है जो हर इंसान को बदलने की ज़रूरत है। आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों बराबर हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, वीमेन मैन के कंपेरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि फैमिली के जितने भी इशूज़ होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो लेडीज़ का ज़्यादा होती है। स्ट्रांग डिसीजन लेने में हमेशा आदमी से आगे औरत आती है। एक आदमी के तरक्की में, आगे बढ़ने में हमेशा एक औरत का हाथ होता है, किसी ना किसी, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी बेटी हो, उसकी बहन हो, जो मर्जी हो। तो वीमेन इज ऑलवेज देयर इन दी सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर मैन। तो मेक श्योर कि आप जो सपना चौधरी के बारे में कमेंट्स पास करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, वो उसने जो भी कमाया वो खुद कमाया है। आप में हिम्मत है तो आप उसके स्टेज पर जाकर देखो, उसको ये देखो कि उसने स्ट्रगल कितना किया उसको कमाने के लिए। तो किसी के कैरेक्टर पर जजमेंट देना इज नॉट अ गुड थिंग। तो आपके सपनों को सहारा किसने दिया परिवार में? मेरे मॉम डैड ने। मॉम डैड, आप भी प्लीज आ जाएं, आगे आ जाएं। नहीं मॉम, बेटी ने नाम कमाया है सब, क्या कहेंगे कि आज बेटी ने इतनी तरक्की की, समाज में, देश में झंडा गाड़ दिया परिवार का, समाज का व देश का, क्या कहेंगे, कितनी खुशी होती है? खुशी तो बहुत है जी। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर मेहनत इसने किया है, साथ हमने निभाया है जी इसका। डर भी था बेटी ने बार का डहा उतने तो हो जाए? नहीं जी, हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि हम शुरू से आर्मी में इनके साथ रहे हैं, और ये डर होता था हम बाहर नहीं बेटे। मैंने यही सोच रखा था कि मैं शिक्षा सभी दिलाते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा कोई कोई माँ बाप दिलाता है अपने बच्चे को। भविष्य में आपका सपना क्या था, आप क्या बनना चाहती थी? मेरा तो जी वो बहुत पुराना टाइम हो गया अभी, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा भी बहुत था जी, कि मैं भी कुछ पढ़ के सर्विस करूं, लेकिन मुझे तो वो मौका नहीं मिला। लेकिन मैं अपनी बेटियों को मौके से नहीं चूकने दूंगी। आपके सपने गुरु में, आपके भविष्य गुरु में आपकी बेटी तैयार कर दिया आपने? हाँ जी, संस्कार ऐसे बढ़ दिए कि बेटी बस जहाँ जाएगी फतेह तेरी होगी। हाँ, तो मतलब हम यही बोल के चलते हैं कि भगवान को याद करके चलना बेटा, हमेशा मतलब सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। सर वो एक कहावत है ना, पूत के पर पालन दिख जाया करें, तो मनीषा के बचपन में दिखे थे पैर पुलिस तरह भैया इस राज आगे मिस इंडिया बनेगी? सर इनका एक्चुअल जो है 4 साल की जब एज थी स्कूल नहीं जाती थी। अच्छा।
तो एक टाइम आया था तो फर्क था इंग्लिश है स्कूल में जाया करती नहीं नहीं साहब वो चार साल का जो एक पीरियड था ना सर चार साल के अंदर हमने किसी हाँ बचपन में थी है और एक जगह हमने किसी जगह प्रोड्यूस किया इसको नॉर्मली एक यूनिट फंक्शन के अंदर तो वहाँ मेरे को लगा कि हाँ ये बेटी कुछ करेगी करेगी हाँ वो एक चार साल से स्टार्ट किया हुआ उसके बाद चार से लेकर के नाइन्थ तक मतलब हम कभी इस चीज़ को परफॉर्म भी नहीं किया कोशिश भी नहीं किया सारी चीज़ें थी नाइन्थ के बाद जो एक यू टर्न जिंदगी का इन्होंने लिया वो मेरे लिए क्या भगवान ने ही मतलब जो है एक अवतार के रूप में मेरे को बेटी दी उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ने की तो बात ही छोड़ दो सर मिस इंडिया बननी है तो बातें करती भी हैं विदेश में गई होंगे नहीं गई सॉरी देश के अंदर हैं तो देश के अंदर देश में घूमे होंगे तो आज किसान आंदोलन हो रहा तो क्या देखते हैं कहाँ देखते हैं और किसान जो करे वो कितना ठीक करे सरकार को क्या करना चाहिए फिलहाल वो भी मिस इंडिया है युवा है उनको बताइए सरकार के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को उस इंसान को इज्जत देनी चाहिए जो उसके पेट को भरने का कारण है जो उसकी ज़िंदगी का कारण है अगर किसान नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा और अनाज नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा क्योंकि देश का हर इंसान जो है वो सारे नॉनवेज नहीं खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उस चीज़ को भी देखो कि उसके ऊपर मेहनत किसकी लगी है क्योंकि किसान को उतना हिस्सा मिलता ही नहीं है जितना वो मेहनत करता है दिन रात पसीना अपना एक करता है अपने अपनी जेब से पैसा लगाता है उस चीज़ में लेकिन जब बिक्री होती है तो उसका उतना ही अमाउंट कम करके उसको दिया जाता है क्योंकि डिसीजन सरकार लेती है कि आपको कितना दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा सेल कैसे होनी चाहिए तो मुझे लगता है ये किसान का हक होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि उसका वो कितनी पेमेंट में उसको करना चाहता है अब जो प्रॉब्लम चल रही है कि किसान को उसके हक नहीं मिल रहे हैं इतना वो मतलब लड़ रहे हैं अपने लिए इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार एक बार उस जगह पर आकर बैठ कर देखे वो खेती कर देखे वो काम कर देखे जो इंसान ने बचपन से लेकर अपने बच्चे को पालने के लिए किया है तो उसने ज़रूर उनको रियलाइज़ होगा कि कितनी तकलीफ़ होती है एक इंसान को रोड पर लेके आने के लिए क्योंकि सरकार बनाई ही अपने देश की लोगों के लिए बनाई जाती है तो कि वो उनके हक में काम करे की बेटी मिस इंडिया बनकर आ रही देश का नाम रोशन कर रही और एक तरफ से किसान बॉर्डरों पे धरना दे रहे तो लगता है कि वो सार्थक काम हो भी रहा देश के लिए आप जैसे की नज़र से क्योंकि आप तो देश का नाम रोशन कर रहे लेकिन वहीं ना कहीं देश का नाम बदनाम भी तो हो रहा ना हाँ जी हाँ जी क्या कहेंगे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सरकार में जो भी लोग मेरा ये इंटरव्यू सुनेंगे प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसान को उतनी रिस्पेक्ट दें क्योंकि वो इंसान शायद दुनिया में सबसे पहला देवता है अन्नपूर्णा कहलाता है वो इंसान जिसके कारण हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं और अगर आप अपना सर्वाइवल अच्छा चाहते हैं ना ज़िंदगी में और अच्छी तरक्की करना चाहते हैं तो उस इंसान को मत भूलिए कि आप अपनी औकात से भी नीचे आ जाएँ तो क्या 3 महीने से सरकार बोली बैठी या फिर शायद अवॉइड कर रहे हैं जो भी रीजंस हैं क्या रीजंस हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आई डोंट नो जो भी रीजंस हैं उनके लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो मुझे भरोसा है कि भगवान का नाम लेकर आप ज़रूर उस रास्ते पर चलेंगे जिसके थ्रू हर इंसान का भला हो सके भले ही बहुत से लोग हैं जो प्रोटेस्ट वगैरह में हेल्प नहीं कर पा रहे किसानों की बट तकलीफ़ हर इंसान को है मुझे भी बहुत तकलीफ है इस चीज़ क्योंकि मेरे खुद के परिवार में बहुत लोग हैं जो किसानी करते हैं खेती करते हैं फार्मिंग कर रहे हैं अपनी और बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो मिस इंडिया रह के नाम कमाया तो अब कलाकार बनेंगे या क्राइम ब्रांच के अंदर रहेंगे या इसे और अटके थोड़ा करने की कोशिश करेंगे वो भी बताएं ज़िंदगी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पैशन भी होता है प्रोफेशन भी होता है पढ़ाई मैंने अपने प्रोफेशन के लिए की थी तो ऑफकोर्स मैं अपनी पढ़ाई को गवारा नहीं जाने दूंगी तो मेरा प्रोफेशन हमेशा मेरी प्रायोरिटी होगा अलॉन्ग विद दिस अगर मुझे काम मिलता है इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड या किसी भी हायर लेवल पर मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिलता है वो मैं उससे चुकूंगी नहीं क्योंकि मुझे अपने भिवानी अपने शहर हरियाणा और इसको बहुत आगे लेके जाना है यहाँ की औरतों के लिए यहाँ की गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन बनना है कि उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करें ताकि वो बहुत नाम कमाएं बहुत आगे जाएं अपने सपनों को पूरी तरीके से जी सकें तो क्या हरियाणा की जो आज कलाकार हैं उनकी तरफ फिल्में में कॉमेडी सीनों में जाना चाहेंगे बिल्कुल जाएंगे ज़रूर जाएंगे क्योंकि यही एक तरीका होता है कि आप अपने देश को अपने शहर को अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं भिवानी को कह सकते हैं कि अब मिस इंडिया सपना चौधरी को टक्कर देने आ चुकी हाँ बिल्कुल आ चुके हैं नो डाउट मैं सपना चौधरी जितना अच्छा डांस नहीं कर पाती हूँ मैं थोड़े दूसरे फॉर्म्स डांस करती हूँ बट मेक श्योर कि जब भी मौका मिलेगा हम दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करेंगे हरियाणा अच्छा, को यानी ये चैलेंज दिया या बता दिया कि मैं तेरे साथ में वो देने आ चुकी हूँ भैया बस बच हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पर वो मुझसे सीनियर बहुत है तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो हैं उनके थ्रू आज मैं यहाँ पहुँची हूँ कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर पाऊँ सीखा किससे देख देख कर मम्मी पापा से ही सीखा था करा करके उम्र भी तो मम्मी पापा ने नहीं दिए होंगे वो तो कहीं सीखा डांस हो कहीं सीखा होगा यूट्यूब है ना यूट्यूब से मैंने बहुत डांस कॉपी किया है मैं बहुत किसके देखते थे
नॉर्मली डांस मैं कोरियोग्राफर्स के ही देखती हूँ, जैसे लुइस है और काफ़ी ऐसे मतलब आ रखे हैं आजकल, संतोष है एक, उनकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी आती है, तो मैं उस चीज़ को बहुत प्रेफर करती हूँ। एंड दैट टू हर रोज़ एक नया आर्टिस्ट पैदा होता है, आप कभी भी यूट्यूब पे जाओ, स्क्रॉल करो, वहाँ पे इतने लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं हर किसी इंसान को फॉलो करती हूँ, जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिल जाए वो ले लो, ये मैं मानती हूँ। मिस इंडिया के लिए जो होती हैं अभी चुनिंदा महिलाएं लड़कियां, वो कितनी लड़कियां थी, उनको कितने लड़कियों आपने पीछे छोड़कर आप आगे बढ़े? हम वैसे 33 टोटल थे, उसमें से 9 बॉयज़ थे, हम 7 मिस में कैटेगरी में थी एंड मिसेस थी वहाँ पे 17। तो उसमें जो कॉन्टेस्ट हुआ था मिसेस कैटेगरी में भी हरियाणा से थे, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था टू बी ऑनेस्ट। मिस कैटेगरी में हम 7 गर्ल्स थी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से थी, और मैं अकेली थी जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो मुझसे पहले जो थे 2 विनर्स थे और मेरा कॉम्पिटिशन उन दोनों के साथ ही था ज़्यादातर। नो डाउट कि जो मेरे से पीछे रह गए हैं, जो नहीं आगे बढ़ पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो भी बहुत अच्छे थे, आई विश कि वो फ्यूचर में बहुत आगे तक जाएं और नाम कमाएं, बट जो कॉम्पिटिशन था बहुत अच्छा था। कह सकते हैं कि हरियाणा की बेटी, किसान की बेटी, और ने झंडा गाड़ दिया जयपुर सिटी के अंदर आ गई। यस, थैंक यू। तो बात की कलाकार से भी, और कहीं ना कहीं चेता दिया कि अब हरियाणा के जो कलाकार है तैयार हो जाओ, क्योंकि मार्केट में एक और उभरती हुई कलाकार जो मिस इंडिया ग्रुप में आने को तैयार। जे एन सी न्यूज से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।